जो यूथ के लिए आपका क्या एक जनरल लास्ट एक आपका क्या मैसेज है? मतलब हमारा मेनली फोकस है कि भाई आज जो यूथ है वो मतलब दे हैव लॉट ऑफ टाइम, दे कैन यू नो फोकस मोर ऑन मेनी अदर थिंग्स, बस बीइंग अ जर्नलिस्ट एक लास्ट आप अपना एक पैगाम जो यूथ के लिए है या इन जनरल कम्युनिटी के लिए है वो आप बता दें और इंशाल्लाह। बासित भाई, मैं यूथ के लिए बस यही कहना चाहूंगा कि बहुत इस वक्त हम जिस देश में जिस सूरत हाल से जो फेस कर रहे हैं, जो हम बहुत खतरनाक सूरत हाल से फेस कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, बहुत पेशेंस के साथ और एक ब्रॉड मेंटेलिटी के साथ और सब्र के साथ हमको आगे आना पड़ेगा, जी और रिजल्ट्स की उम्मीद हमको इस जनरेशन में नहीं रखना पड़ेगा, हमको एफर्ट्स लेना पड़ेगा। हाँ वो मैं लूंगा तो शायद मेरे बच्चों को इंशाल्लाह उसको कुछ फल मिलेगा, ये फैक्ट है। ये मैं चूंकि जर्नलिस्ट हूँ, मैं बहुत सीधी बात करता हूँ और मैं कोई किताबी बातें नहीं करता सर, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। और जो गुलमंडी और रोशन गेट का जो गैप है, सिडको अड़को और रोशन गेट का जो गैप है, उसको खत्म करना पड़ेगा, पर्सनल लेवल पर खत्म करना पड़ेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह वी विल ऑल आई उसको थिंक चाय पिलाने के लिए मेरे हिंदू दोस्त को रोशन गेट पे लाना पड़ेगा, और पावा जी खाने और अपने ये हाँ हमको जाना पड़ेगा कभी पाव भाजी खाने। ये बहुत वक्त की जरूरत है। असल में क्या हो गया कि नेताओं ने हमको बहुत दूर तकसीम कर दिया, और ये कोई पॉलिटिकल बात भी नहीं है, ये इतना बड़ा गैप है बासित भाई कि जिसकी वजह से हम अपना मैसेज नहीं कन्वे कर पा रहे। सही ये है मेरा फील्ड का ऑब्जर्वेशन है। हमने औरंगाबाद को समझ लिया आजाद चौक के चौराहे से लेकर तो बेगमपुरे के अफसर खान साहब की वार्ड तक, जी। हमको एक गैप को, हमको औरंगाबाद को पूरे लास्ट पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। मैं लोकल लेवल पे काम करता हूँ इसलिए यहाँ लोकल पे बात कर रहा हूँ। हमको हर किसी को कोशिश करना चाहिए कि हमारे नॉन मुस्लिम ब्रदरान वतन हमारे दोस्त बने, और बनाने की जरूरत है, वक्त का तकाजा है।